इन सेकंड्स ऑफ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अरसलान रिजवान और काशिफ मौजूद है मेरे साथ। बड़े मजेदार से एपिसोड है ये। हम हमेशा सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस न खेलने का ज्यादा नुकसान किसको हुआ और इसका फाइनेंशियल नुकसान किसको हुआ, लेकिन आज जिस पर बात होगी वो इससे बिल्कुल हटकर एक नई फिल्म है, एक नया एस्पेक्ट है, एक नई डायमेंशन है। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में बड़ा नुकसान किसको हुआ और क्यों हुआ अगर ये मैचेस नहीं हो रहे, और कब से 2006 से अगर बात कर लें तो तब से लेकर अब तक किसको बड़ा नुकसान हुआ और उसकी रीजन क्या क्या है। बड़ी बड़ी रीजन हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नई चीजें। रिजवान, बड़ा नुकसान किसका है? एब्सोल्युटली नुकसान इंडिया का ज्यादा। दो मिनट रुक कर। हाँ जी, दोनों मुल्कों का नुकसान है मैं ये समझता हूँ। आप बताए फाइनेंशियली है? नहीं, फाइनेंशियली तो काशिफ बताएंगे, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल नुकसान पाकिस्तान का है, लेकिन अगर आप 2006 के बाद से देखें पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान इंडिया ने खेले 59 टेस्ट मैचेस 2006 से अब तक। 1947 से जब से पाकिस्तान ने अपनी टीम बनाई 1950 से 59 टेस्ट मैचेस जिसमें से 9 जीता इंडिया, 12 जीता पाकिस्तान और 38 हुए ड्रॉ। यानी हमारे हाथ ऊपर है, हमारे हाथ ऊपर ठीक है। लेकिन उस सारी हिस्ट्री के बावजूद अगर आप ये देखें कि पिछले जो 2004-5 के बाद से जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया ने जीता 4 टेस्ट मैच, यानी इससे पहले वो सिर्फ 5 मैच जीता था, लेकिन आखिरी जो 4 सीरीज हुई उसमें 4 टेस्ट मैच इंडिया ने जीते और पाकिस्तान ने जीते 3। 2006 से 2020 तक का जो पीरियड है ना उसको मैं समझता हूँ कि इंडिया का गोल्डन पीरियड था। कुछ उसमें गंगूली, द्रविड़, कप्तान धोनी थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर खेलते रहे, बाद में विराट कोहली आ गए, और ये वो पीरियड था जब उसमें बड़े नाम थे, वीवीएस लक्ष्मण जैसा बड़ा नाम, टीम बहुत स्ट्रांग थी, ऑस्ट्रेलिया में 2 दफा जाके इंडिया ने हराया। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान की टीम 2003-04 में जब वसीम, वकार, सईद अकबर सारे रिकॉर्ड रिटायर हुए तो एक कमजोर टीम थी। राव इफ्तिखार जैसे फास्ट बॉलरों के ऊपर अगर हम डिपेंड करेंगे, और उस पीरियड में इंडिया हैड अ सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान, और अगर इंडिया उस खेल लेता टाइम में पाकिस्तान से 25-30 टेस्ट मैच खेलता, मतलब मैं इंडिया होता तो मैं कहता यार हर साल पाकिस्तान को बुलाओ, हर साल पाकिस्तान जाओ, 3 टेस्ट की सीरीज इधर खेलो, 3 की उधर खेलो, अपने रिकॉर्ड अच्छे करो और ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान से सुपीरियर कर लो। अभी तो हम बात करें टेस्ट मैच। अच्छा जी, एक चीज ये कि अब सुने आप मजे की चीज, ये नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये वो तो हम करते रहते हैं डिस्कस, यानी इंडिया को बड़ा नुकसान ये हुआ कि अपने रिकॉर्ड्स बेहतर नहीं कर पाई, और पाकिस्तान के बारे में जरा ये भी बात करेंगे जो प्रेजेंट इराक की टीम है, लेकिन उससे पहले हाँ जी टेस्ट, आप ये जो बता रहे हैं 59 ओवरऑल थे, 12 हमने जीते, ये बात ठीक है, लेकिन आप ये याद रखेंगे जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना तो टेम्परमेंट ही और होता है। इन्होंने ये बात नहीं आपको बताई कि उसके बाद आमिर और आसिफ का एरा भी आया, वो वक्त आया कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक फिर अच्छी हो गई, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग भी ठीक थी, उस मोहम्मद यूसुफ का दौर आया जब मोहम्मद यूसुफ ने एक कैलेंडर ईयर में दुनिया के सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड, उसके बाद यूनस और मिसबा का एरा आया यूनस और मिसबा का वो एरा आया जब हमने यूएई में खेलने शुरू किया और हमने दुनिया के तमाम टीमों को हराया यूएई में आकर। इसलिए आप ये ना कि पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम थी, पाकिस्तान अच्छी टीम थी, लेकिन ठीक है ये बात मैं मान लेता हूँ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के कदरे बेहतर थी, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है टेम्परमेंट बुखार ही कुछ और होता है। लेकिन आपने पूछा नुकसान किसको हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ शायकी ने क्रिकेट को, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मुझे, आपको, इनको, उन लोगों को जो हम मैच ही देखना चाहते थे उनको नुकसान हुआ। मसला क्या था, भीड़ चढ़ गई पूरी क्रिकेट पॉलिटिकल गेम की वजह से पूरा पाकिस्तान और इंडिया भीड़ चढ़ गया। और यहाँ मैं समझता हूँ कि आईसीसी को रोल फिर अदा करना चाहिए था। आईसीसी एक ऐसी कमजोर बॉडी है कि जो ऐसे मौके पर आके अपना अपनी फुटिंग नीचे नहीं रखती। आपको याद नहीं सिंगापुर सीरीज जब होती थी, कनाडा और सिंगापुर सहारा सीरीज होती थी, पाकिस्तान इंडिया वहां जाके खेलते थे, सारी दुनिया ये मैचेस देखती थी। तो जहां पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस हुआ, इंडिया को फाइनेंशियल लॉस हुआ, वहां आईसीसी को भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो है वो शाइकी ने देखने वालों को। फिर आपको चलिए जी, अच्छा टेस्ट में यानी ये रिकॉर्ड आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम भी इतने कमजोर नहीं थे, अगर हमसे खेला जाता तो उस वक्त पता चलता अगर खेलते तो हमारा टेम्परामेंट। हां जी रिजवान, आप जरा बात करें वनडे की आज, और भी उससे मेरा जो है स्टांस वो और ज्यादा प्रूव हो जाता है, ठीक है। 132 वनडे खेले हैं पाकिस्तान और इंडिया ओवरऑल, बिल्कुल 73 जीता है पाकिस्तान, 55 जीता है इंडिया, यानी यहां भी पाकिस्तान का हाथ ऊपर है, तकरीबन 12 मैच ज्यादा जीता है। लेकिन अगर आप पिछले 2006 के बाद से देखें, 4 के बाद से,
तो टोटल 31 वनडेज हुए इंडिया पाकिस्तान के। अच्छा, इस पूरे ईरान में बहुत कम खेले। हाँ, और पाकिस्तान जीता है जनाब 11, इंडिया जीता है 20, यानी कि विनिंग परसेंटेज इंडिया की 65% रही है कंपेयर टू 35 पाकिस्तान के। ये हम ले रहे हैं 2005-06 के बाद से। के बाद से। सो अगर आप उसके हिसाब से देखें ना, जो ये बात कर रहे थे कि कंपैरिजन की टेस्ट मैच, चलो चार सीरीज हुई सिर्फ, लेकिन वनडे तो काफी सारे हुए मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, आप उस जमाने में कम्पीट ही नहीं कर रहे थे। जब ये बात करें ना कि आसिफ और वो एरर थे, बड़े छोटे छोटे एरर्स थे, ठीक है। ये गेम दो बॉलरों और दो बैट्समैनों की नहीं है, ये 11 प्लेयरों की बात होती है, और वो कॉम्बिनेशन 2004-05 के बाद से लेके 2020 तक इंडिया का बहुत बेहतर था। और वनडे में, टेस्ट में और टेस्ट हो गया, टी20 बाद में करेंगे, वनडे में आप समझते हैं कि बेहतर था, टेस्ट हो चुका है। वनडे में देखें, ये वो एरर है कि जिससे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2017 में। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अच्छा, अब ये टी20 की बात भी करेंगे, पाकिस्तान ने टी20 का चैंपियनशिप भी जीती, इसलिए आप पाकिस्तान को डिस्काउंट नहीं कर सकते T20 में भी। लेकिन आप ये भी तो सोचें, जो 30 मैचेस का कंपैरिजन बता रहे हैं, आप ये भी तो सोचें कि ये वो वक्त था जब पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई थी, पाकिस्तान यूएई में खेल रहा था, कितनी रेजिलियंस है हमारी मुल्क के अंदर कि उस वक्त हमने जो है अपनी क्रिकेट को मरने नहीं दिया, हम लोगों ने क्रिकेट को जिंदा रखा। मैं ये देखें, मेरी बात सुने, ये आपके स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रिकेट होती है, क्रिकेट होती है उस दिन की, उस दिन आपने कैसा खेला। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है, आपने कितने क्रिकेटर से सुना है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, हमें रात को नींद आती है, हमारा जज्बा कुछ और होता है। जज्बा बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। आप पाकिस्तान का इंडिया के सामने रखे, मुझे ले जाए यार, आपको ले जाए, हमारा जज्बा ही और खेलने के खेलने के लिए। इसलिए पाकिस्तान का इंडिया का जो बुखार है ना, वो कुछ और है। ठीक है, स्टैटिस्टिक मैं इनके मानता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान ने उस जमाने में कुछ मैचेस, लेकिन इसमें एक फर्क डालूं मैं थोड़ा सा, रिजवान एक चीज मेरी यार, मेरी भी तो सुनो ना, आप दो तो बोले जा, इसमें ये ऐड करें, ये जो मैचेस खेले ना हमने 30 के करीब, आप जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं 2005 के बाद से, वो पैचेस में है। 3 मैच खेल लिए, पैच आया लंबा, 2 साल का गैप आया, फिर 2-3 मैच खेल लिए, किसी बड़े इवेंट में ICC के मैच खेल लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में खेल लिए, तो एशिया कप में खेल लिए, ये पैचेस में मैचेस हैं, और ये सारे मैचेस ज्यादातर बड़े टूर्नामेंट्स के होंगे। अगर हम पैचेस में ना खेले, बायलैटरल सीरीज जिससे इंडिया भाग रहा है, फिर क्या होगा? देखिए, मैं आप उस पे भी आ जाता हूँ ना, कि अगर आप बायलैटरल सीरीज, जिस तरह इन्होंने बताया कि पाकिस्तान से तो क्रिकेट गई हुई थी, पाकिस्तान हर टीम से खेल रहा था यूएई में, तो आप इंडिया से भी यूएई में खेल रहे थे, और इंडिया आप तो जाने को तैयार नहीं खेल रहे थे, तो ये इंडिया की मैच, तो यार बायलैटरल सीरीज की ऑफर थी उन्हें, शहजाद खान गए, उनको उधर डक के डरा दिया बेचारे को, डकया गया सारा। यही तो कह रहा हूं कि इंडिया का ज्यादा बड़ा लॉस है, और इंडिया की बेवकूफी है ये। अच्छा, जल्दी से T20 पर बात कम है, T20 क्या रिकॉर्ड क्या है? T20 भाईजान, आपने टोटल इंडिया से एक मैच जीता था T20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले, जिसमें आपने इंडिया को 10 विकेट दिया ना, उससे पहले को मतलब 6 मैच आप हारे थे, एक आप उनसे जीत सके थे जब से T20 शुरू हुई, क्योंकि सिर्फ आपके इंटरनेशनल इवेंट्स और एक सीरीज जो इंडिया में आप खेल रहे थे, 2 मैच उसमें से एक आप जाके जीत गए, अदरवाइज हम कंसिस्टेंटली उनसे हारे थे। बिकॉज मेरा ईमान यही है, मेरा बिलीफ यही है कि इंडिया की टीम उनसे बहुत बेहतर थी, और T20 के बाद से हमारी टीम बेहतर हुई है, जब बेहतर हुई शाहीन आया है, बाबर आजम आया है, और आखिरी 4 T20 में हमने उनसे बराबरी पर 2-2। ठीक ठीक, लेकिन आप फिर वही बात करूंगा, मैंने आपसे पहले कही कि हमने T20 के वर्ल्ड कप जीता, उसमें हमने बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ा, शाहिद आफरीदी आपके कप्तान थे, सॉरी यूनुस खान थे, कप्तान थे। उसके बाद ये है कि T20 में हम नंबर 1 टीम रहे, कितना अरसा यार, हमने सबको हराया, इंडिया का खेता क्यों ना हराते। हाँ, पाकिस्तान का एक जो शॉर्ट कमिंग है वो 1970 से लेकर आज तक वो ये है कि हम चैंपियंस ICC के कोई भी टूर्नामेंट के अंदर इंडिया को नहीं हरा सके, T20 वर्ल्ड कप में जिसमें हमने हरा दिया ना, अब हमारा उनके साथ टकरा ही जो है ICC के टूर्नामेंट में पड़ता था, यही प्रॉब्लम था, इसीलिए इंडिया की बेवकूफी थी। नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ,
असल पता लगता है इंडिया का बायलैटरल आपका कहना यह है कि अगर हम खेलते तो शायद रिजल्ट्स वो एक्सपेक्टेड ना होते, इंडिया बहुत बड़ी टीम है तो वही जीतेगी। इनका ये मानना है कि इंडिया का नुकसान नहीं हुआ कि रिकॉर्ड बेहतर कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि नुकसान जो है ना वो शाकिर ने सही का हुआ। मैं जब ये कह रहा हूँ कि उनका नुकसान हुआ और ये सब कसूर जो है ना वो इंडिया का है, सारा का सारा कसूर इंडिया का है। जो 80s में हम हवा थे ना इंडिया के ऊपर शारजा में और इधर उधर, 80s 90s में इंडिया हमसे हिलती नहीं होती थी, अब हर मैच हराते थे उनको ओवरऑल सवाई दो आईसीसी के टूर्नामेंट, और वही हवा इंडिया ने हमारे ऊपर 2004-05 के बाद से किया हुआ था, लेकिन उसमें हमारी खुशकिस्मती और इंडिया की बैड लक अपनी खुद करता बैड लक है, हमसे खेल ही नहीं रहे। चलो रिकॉर्ड सीधे कर लेते, रिकॉर्ड सीधे भी हो जाते तो हम जीत जाते, या हम भी इतने हल्के नहीं थे, जो मर्जी हो जाता, पैशन अपनी जगह मौजूद था। ये थी आज की डिस्कशन और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल्स पे तो सारी बात कर रहे हैं, इस पर कोई नहीं कर रहा कि रिकॉर्ड क्या थे, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के साथ रिकॉर्ड भी आपको बताए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। बाय बाय।